नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। एक सुंदर सुहावनी सी सुबह, नए उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम सब। वास्तव में हर सुबह हमें एक पूरा ही दिन देता है। आज के सारे दिन को भरपूरता के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, खुशी के साथ जियो। और साथ ही साथ जिसने आज का ये दिन दिया है ईश्वर, उनका भी शुक्रिया अदा करो। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो बहुत कुछ अपने लिए मांगते हैं। मित्रों, आज क्या मांगना है, आज का सुवाक्य हमें उसकी प्रेरणा दे रहा है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। जीवन के आसान होने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कि तुम बेहतर हो। जिम रॉन। कोशिश करने से पहले सब कुछ मुश्किल लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन आसान हो जाए, तो हम खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के अवसरों को खो रहे हैं। हम एक महत्वपूर्ण नियम को भूल जाते हैं, जीवन जटिल हो गया है केवल मेरे विचारों के कारण, किसी बाहरी चीज के कारण नहीं। मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर परमात्मा ने मुझे कठिन कार्य दिया है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें कार्य पूरा करने की मेरी क्षमता पर पूरा विश्वास है। जब हम चुनौतियों के लिए हाँ कहते हैं, तो हमें अपनी असीमित आंतरिक क्षमता का पता चलता है। ध्यान मेरे विचारों को परिष्कृत और केंद्रित करेगा और मेरी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देगा, जिसके कारण कठिन से कठिन कार्य भी बच्चों का खेल बन जाएगा। तो मित्रों, प्रार्थना में हम ईश्वर से बल, बुद्धि या शक्ति लें, ताकि जीवन की समस्याओं में सहज रूप से हम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ पाए। वास्तव में हमारे जीवन में हम सुंदर स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं और ईश्वर से भी ये चाहना रखते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन उनकी अधिक मात्रा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ठीक यही बात कोलेस्ट्रॉल के साथ भी है। जब ये बढ़ जाती है तो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों का घर बना देती है। इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में हम लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल पे एक सुंदर जानकारी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं कि हार्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक अंग है, जो हर सेकंड धड़कता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। अगर हार्ट बीच में कभी भी बंद हो जाए तो हमारा जीवन रुक जाता है। दोस्तों, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल भी कह देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कई कंपोनेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपको हर साल अपना लगभग एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। और अगर आप यंग या ओल्ड हैं, तो आपका अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं, तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे होना चाहिए। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, वो 100 के नीचे रहना चाहिए। और इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, जो स्टोरेज फैट है, वो 150 के नीचे रहना चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे HDL कहते हैं, HDL हमारा अगर हम मेल हैं तो हमारा 40 के ऊपर होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 50 के ऊपर चाहिए। एक VLDL होता है, वो अपना 30 के नीचे रहना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा है गुड कोलेस्ट्रॉल HDL। वो कैसे बढ़ता है? गुड कोलेस्ट्रॉल जो, या इवन बैड कोलेस्ट्रॉल की बात भी हम करें, 30% कोलेस्ट्रॉल हम खाने में खाते हैं और 70% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है। हमारे मन के विचारों के अनुसार अगर हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम लीवर में बनते हैं। तो हमारा, इसलिए हमें सदा ही अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग करते, राजयोग का मेडिटेशन करते रहें, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, जिससे कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगा। तो आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं गीता की ओर। गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन,
तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, तू वर्तमान में रह। वर्तमान को श्रेष्ठ बना तो तेरा भविष्य स्वतः श्रेष्ठ बनता चलेगा, और पास्ट के लिए जो चिंतित रहता है या पश्चाताप करता है वो पश्चाताप भी हल्का होता चलेगा। कुछ ऐसी ही सुंदर प्रेरक बात लेकर आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। बहुत अच्छे अंग्रेज कवि हुए हैं H.W. लॉन्गफेलो। वो लिखते हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट, लेट द डेट पास्ट बरी इट्स डेट, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड। यानी भविष्य की संभावनाओं में मत झूलो कि वो कितना बढ़िया होगा, और जो भूतकाल है वो तो मर चुका है, गड़ चुका है, आप तो केवल वर्तमान में काम कीजिए। हार्ट विद इन एंड कॉर्पोरेट, अपने अंदर आत्मविश्वास संजोकर और ये मानकर कि परमात्मा शिव की कृपा अनुकंपा आपके शीश पर सदैव बनी हुई है। सादर नमस्कार। तो वर्तमान में रहने की सुंदर प्रेरणा और संकल्प के साथ आइए अब आपको लिए चलते हैं हम स्पिरिचुअल इंडिया में एक ऐसे सुंदर प्रदेश की ओर जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहाँ देवालय ही देवालय हैं, जहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य सचमुच मन को ईश्वर के समीप ले जाता है। इसीलिए पर्यटन स्थल के रूप में भी सारे संसार में प्रख्यात है। बर्फ से ढका हुआ, घिरा हुआ एक सुंदर सुरम्य प्रदेश। जी हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आइए देवभूमि की यात्रा पर चलते हैं। बर्फ से ढकी हिमालय की पहाड़ियों का घर है हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत की गोद में बसे होने के कारण इसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के साथ साथ देवताओं की भूमि के नाम से भी लोकप्रिय है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, बर्फीले ग्लेशियर और मनमोहक झीलें सभी का मन मोह लेती हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू घाटी, रोहतांग पास, पालमपुर आदि यहाँ के कुछ खूबसूरत और मुख्य स्थान हैं। तंबाकू और पॉलीथीन पे बैन लगने के बाद और उसे सही तरह से लागू करने में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। यहाँ गांव-गांव में देवताओं के मंदिर होने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है, जो अपने मेलों और त्योहारों के लिए भारत के साथ साथ दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की मजबूत अर्थव्यवस्था मुक्ता, कृषि, पर्यटन और बिजली पर निर्भर है। हिमाचल को फलों का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फलों के बगीचों की भरमार है। वहीं ब्रह्मकुमारी संस्था इस देवभूमि पर ईश्वरीय ज्ञान व योग के माध्यम से देवी देवताओं के वास्तविक गुणों व शक्तियों को लोगों के जीवन में धारण कराने का कार्य कर रहा है, जिससे लाभान्वित व्यक्ति अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ अपने घर परिवार में रहते हुए नौकरी, व्यवसाय आदि करते हुए भी अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे जीवन खुशियों से भर जाता है। मित्रों, देवभूमि के हमने दर्शन किए। कितना ही अच्छा हो कि हम अपने घर को भी देवालय बना लें और अपने तन को भी देवालय बना लें, जिस तन में आत्मा रूपी देव बसती है। सचमुच हम अपने जीवन को ऐसा सुंदर श्रेष्ठ बनाए ऐसी कामना तो रखते हैं, और इस कामना को पूर्ण कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपनी सुंदर श्रेष्ठ सेवाओं के माध्यम से। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। स्मृति मास में सेवा केंद्रों पर कार्यक्रमों का सिलसिला चालू। झारखंड के रांची सेवा केंद्र ने की पहल।
दिल्ली के मेहरोली में योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 14वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 सेरेमनी में बीके बहनों को मिला वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड। और कुवैत के सीनियर राजयोग टीचर बीके अरुणा ने संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती से की ऑनलाइन टॉक, स्मृति दिवस को लेकर आंतरिक तैयारी पर चर्चा। जनवरी मास ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े लोगों के लिए तपस्या मास होता है, क्योंकि 18 जनवरी संस्था के साकार संस्थापक आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होता है। इसी के चलते संस्था के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर राजयोग मेडिटेशन द्वारा स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरोली में विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर योग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 14वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था में हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि, बीके विनीता और बीके पवित्रा को वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया। वनक्कम। पोंगल इज एन एंशियंट सेलिब्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ रेवरेंस एंड वर्शिप टुवर्ड्स गॉड एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर फॉर 4 कंटिन्यूअस डेज। Bhogi is the first day, and it is the custom of the people to discard the old and derelict things and move towards new, fresh avenues. They concentrate on new things, causing change or transformation towards betterment. At dawn, people light bonfires with logs of wood and other waste materials segregated that are no longer in use and denote the closing of the account and to mark the new beginning of a new prosperous account. It is not only the clearing of waste household articles and dirt, but also the fear about the future, the pain inflicted by the past, the regrets we hold in our relationships, and all the negative feelings nurtured in the heart. The science behind the celebration is meaningful and amazing too. Every human being aspires to be an embodiment of optimism and wish to progress at every point. However, positivity reigns high only when one eliminates all the negativity. This is the special reason why the day before Pongal, Bhogi is celebrated. Nandri. मित्रों, कहते हैं ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। जिंदगी आपकी है, आप इसे अपने अच्छे स्वभाव में जिए। हम अपने सुंदर और अच्छे स्वभाव के माध्यम से सबको सुख, शांति और आनंद देते चलें। किसी के प्रभाव या अभाव में अपने आप को त्रस्त न रखें, बल्कि अपने मीठे और सुंदर स्वभाव के माध्यम से जन जन के दिलों पर राज्य करें। तो आज के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई ले रहा हूँ, इस वादे के साथ कि कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।